कुशवाहा नगर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। खबर सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के कुशवाहा नगर में नवनिर्मित इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर से आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस मौके पर हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष तथा बच्चों ने कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा सूरापुर छपिया होते हुए, टेढ़ी घाट होते हुए, जुड़कन मड़कन होते हुए पुनः कुशवाहा नगर स्थित इच्छापूर्ति मंदिर के पास पहुंच गया। आपको बता दें कि इस मौके पर जहां जहां से कलश यात्रा निकले वहां वहां पर वहां के स्थानीय ग्रामीणों और लोगों के द्वारा शरबत पानी की व्यवस्था भी करवाई गई थी, ताकि कलश यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राजकिशोर जी, महात्म जी, रामू, रविशंकर प्रसाद समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने कलश यात्रा को नियंत्रित करने तथा पूरे मंदिर में हो रहे आयोजन की जिम्मेदारी ली। साथ ही साथ काफ़ी ग्रामीणों ने भी इस मौके पर सहयोग किया और लगातार कई दिनों तक चलने वाले इस भव्य यज्ञ को लेकर भी तैयारियां शुरू हुई थी, उसमें सहयोग किया। सारे लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी उम्मीद करेंगे सहयोग मिलता रहेगा। सारा लोगों ने हम लोग का कलश महाकलश यात्रा में भारी से भारी संख्या में लोग श्रद्धालु जुटे और कलश यात्रा को सफल बनाए। हम लोग इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर से होते हुए कुशवाहा नगर होते हुए सूरापुर होते हुए हम लोग छपिया मंदिर पर पहुँचे। वहाँ से हम लोग छपिया होते हुए हम लोग दानपट्टी पहुँचे। दानपट्टी से मड़कन होते हुए हम लोग टेढ़ी घाट पहुँच कर हम लोग मसान माई के मंदिर तक जल भरण किए। जल भर कर हम लोग सोलोनोपुर होते हुए जुड़कर आकर अपनी इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर कुशवाहा नगर तक हम लोग पहुँचे, जहाँ पर हम लोग भगवान की प्रतिमा 3 मार्च को उनका किया जाएगा। 3 अप्रैल मेला भी लगा हुआ है। ग्रामीण जनता को जी हम आसपास के क्षेत्र को और अपने जिला वासियों को प्रखंड वाले हम सब लोग का सहयोग से और उन लोग का सहयोग से ही इस मेला को हम लोग सफल बना सकते। हम चाहेंगे आसपास क्षेत्र का प्रखंड और जिला के सारे लोग इस श्रद्धा में और जग में सफल आए और सफल जग को सफल बनाए। मेरा नाम रामू कुमार कुशवाहा। हमको लगता है लगभग 10,000 से ऊपर लोग और ये कार्यक्रम लगभग 4-5 दिन तक चलेगा। 4 तारीख का समापन है इसका। इसमें आस पड़ोस के सभी लोगों का सहयोग था और सबसे ज़्यादा सहयोग हम हनुमान जी का कहेंगे कि मौसम इतना अनुकूल रखे थे कि जिसको नहीं जाना चाहिए था वो भी गया। हम लोग यहाँ से छपिया होते हुए दानपट्टी से टेढ़ी घाट से मसान माई के पास से जल भर के फिर हम लोग वापस आए हैं यहाँ पर। हाँ, प्रोग्राम है, आज शाम को प्रवचन है, रामलीला है, फिर अगले दिन रामलीला है, रासलीला है, प्रवचन है, जिसमें प्रवचन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसे रोहतास से आ रहे हैं विनोद पाठक और बनारस से आ रही हैं कुमकुम मिश्रा। आज से जो शुरू हुआ है 4 तारीख को समापन होगा। 4 तारीख को विशाल भगवती जागरण का आयोजन है, जिसमें विशाल विकास भोजपुरिया अपना जलवा बिखेरेंगे। हाँ, महिला संगीतकार भी आ रहे हैं। ग्रामीण जनता जो आसपास गांव के लोग हैं उनसे क्या कहेंगे? ग्रामीण जनता से हम कहेंगे कि वो लोग हम लोग को सहयोग करें, इस प्रोग्राम को, इस जग को सफल बनाने में हम लोग का मदद करें। और ये जो जग है स्पेशल किसी एक आदमी के नहीं है, हनुमान जी हमारे नहीं है, हनुमान जी सबके हैं, इसलिए सबको मिल करके सहयोग करना चाहिए। और ये जग हनुमान जी का है और हनुमान जी भी हम लोग को सहयोग करें, ये जग उनका है। पब्लिक के लिए बहुत सहयोग है, मंदिर के लिए, कलश यात्रा के लिए काफ़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े भी शामिल, बुजुर्ग भी शामिल, बहुत संख्या पूरा बहुत लोग आए हैं। जल कहाँ से भरा गया था? जल टेढ़ी घाट से मसान माई के पास से भरा गया है। देखा गया था काफ़ी संख्या में हाथी घोड़े भी पहुँचे हुए, हाथी घोड़ा रथ बहुत लोग पहुँचे थे। जनता का कितना समर्थन मिला? बहुत 10,000 से ऊपर आदमी।